आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एमपी के सागर जिले में बुधवार को महिला पुलिस अधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर, 3 आर्मी के जवान सहित 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सागर में कोरोना संक्रमितों के मामलों की संख्या अब 828 हो गई है। वहीं पिछले 14 दिनों में आर्मी के 24 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक सागर जिले में 41 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि बुधवार को मकोनिया क्षेत्र से एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। भगवानगंज से एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। सानोदा गांव की एक युवती भी कोरोना संक्रमित पाई गई है, जो पिछले दिनों औरंगाबाद से मकोनिया स्थित अपने घर पर क्वारंटीन थी। 50 वर्षीय महिला लक्ष्मीपुरा से, 57 साल की महिला तिली वार्ड से और 47 साल के व्यक्ति रामपुरा से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा सागर आर्मी क्षेत्र के 3 जवान भी कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 622 हो गई है। दिनांक 12/8/2020 को जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब एवं अन्य जगहों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से कुल 13 लोगों की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसमें पहले जो है 57 वर्षीय पुरुष, दूसरी जो है 54 वर्षीय महिला, तीसरे जो है 33 वर्षीय पुरुष और चौथी जो है 33 वर्षीय महिला। ये चारों एक ही परिवार से हैं और मकरोनिया निवासी हैं। इसके अलावा पांचवी जो है 50 वर्षीय महिला, ये काली तिगट्टा गोपालगंज से हैं। छठवें जो है 34 वर्षीय महिला, ये सानोदा से हैं। सातवें जो है 29 वर्षीय पुरुष, ये सनीचरी निवासी हैं। आठवें जो है ये 47 वर्षीय पुरुष, रामपुरा वार्ड से हैं। नौवीं जो है 57 वर्षीय महिला, ये द्वारिका विहार तिली से हैं। दसवें जो है 43 वर्षीय पुरुष, ये भगवानगंज से निवासी हैं। इसके अलावा 11वें 21 वर्षीय पुरुष, 12वें 22 वर्षीय पुरुष एवं 13वें 20 वर्षीय पुरुष, ये तीनों जो है कैंट निवासी हैं और इनका सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा आज अच्छी खबर ये है कि 10 लोग जिनका इलाज चल रहा था, ये पूरी तरह स्वस्थ होकर बीएमसी से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और सागर जिले की खबर नहीं है, लेकिन बीएमसी में एक दुखद खबर है कि दमोह जिले के जो व्यक्ति जिनका इलाज चल रहा था, इनकी आज सुबह जो है मृत्यु हो गई है। आज का यही अपडेट है। एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि सावधानी जरूर बनाए रखें। नमस्कार। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिल व्यू। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।